पीएम नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ये दोस्ती तो आपको याद ही होगी। आपको वो इस्तकबाल भी याद होगा, वो गर्मजोशी भी, जो नेतन्याहू ने इजराइल की जमीन पर हमारे प्रधानमंत्री के लिए दिखाई थी। उस दोस्ती का फलसफा अब देश के सामने बेहद ही आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इजराइल ने भारत के साथ एक बड़ी डील कर ली है। सरकारी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI को $777 मिलियन का अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट भारत ने दे दिया है। इसके तहत IAI भारतीय नौसेना के 7 जहाजों को LRSAM डिफेंस सिस्टम देगी। ये डील इंडिया की सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ की गई है। LRSAM एक एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका इस्तेमाल इजराइल की नौसेना करती है। ये दुनिया का बेहद ही आधुनिक सिस्टम है, जो समुद्र से हवा में मार कर सकता है और दुश्मन के बड़े से बड़े जहाज को चंद सेकंड में नेस्तनाबूद कर सकता है। ये बराक 8 फैमिली की मिसाइल का ही एक हिस्सा है। बराक 8 को IAI ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय, भारत के DRDO, दोनों देशों की नौसेनाओं और कई दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर विकसित किया है। भारत पहले ही अमेरिका के विरोध के बावजूद रूस के साथ S-400 ट्राइम्फ एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर डील कर चुका है और अब इजराइल से LRSAM मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने के बाद भारतीय सेना की समुद्री शक्ति तो अभेद हो जाएगी।